दोस्तों, भगवान को किसी ने नहीं देखा। खिलौना जान कर तुम तो, क्या बात है यार, क्या बात है। लेकिन शायद भगवान को सुना सकने एक आवाज के जरिए। मेरा दिल तोड़ जाते हो। वो आवाज जिसे लोगों ने भगवान की आवाज का दर्जा दिया। फिर तेरे शहर में लुटने। हाय सर। हाय मैम। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है सर। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, क्या बात है। आप क्या करते? सर मैं एक बहुत ही गरीब घर से हूँ और मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी जिंदगी में वो दिन देखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। परेशानियां मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने मुकद्दर में लिखवा कर आया हूं। कलाकारी तो मेरे अंदर है सर, और इस बात को लोगों ने मुझे बताया है, मेरे शहर के लोगों ने बताया है, मेरे आसपास के लोगों ने बताया है। जिनको भी मैंने गाना सुनाया है उन्होंने मुझे ये बात कही है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका गाना बहुत अच्छा है, आपको इंडियन आइडल में जाकर ट्राई करना चाहिए। सर ये फर्स्ट टाइम मैं किस्मत से कहिए या फिर मेरे दोस्तों की दुआएं मैं यहाँ तक आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि मैं यहाँ से कोई मकाम तक पहुँचकर ही वापस जाऊँगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जिनकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपकी दुआओं से यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी आपकी दुआओं से ही मुझे बढ़ना है। क्या है कि गलियों में गाते गाते, शादी ब्याह बारातों में गाते गाते और लोगों की महफिलों में गाते गाते मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल सकती। मुझे अगर अपनी मंजिल हासिल करनी है तो फिर मुझे इस मंच पर आना ही था, और बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी सर, मैं आपको रफ़ी साहब का एक बेहतरीन गाना सुनाऊँगा, और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं मैं उन सब से कहूँगा कि प्लीज़ इस गाने को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सर गाने तो मैंने सभी सिंगर के गाए हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे दिल के ज़्यादा करीब हैं और मैं उन्हीं के गाने ज़्यादातर गाया करता हूँ। लोग फरमाइश करते हैं मुझसे कि सलीम भाई आप ये वाला गाना गाइए रफ़ी साहब का, तो मैं उनकी फरमाइशें पूरी करता हूँ और गाता हूँ गानों को, और वो लोग बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं कहीं पर गाने जाता हूँ तो वहाँ पर लोग फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट मुझे दे देते हैं कि लीजिए आप ये गाना गाइए, आप ये गाइए। मैं गाता हूँ, मैं उनका दिल रखता हूँ, क्योंकि वो ही तो हैं जो मेरी कला के पार्क ही हैं, जिन्होंने मुझे समझा। जी हाँ दोस्तों, सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस मंच पर। मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था सर कि मैं जब पहली बार स्टेज पर गाना गाने के लिए चढ़ा था तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टेज से उतार दिया था। उस वक्त सर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं कभी गाना नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि मेरी हिम्मत टूट गई थी और मैंने सोचा था कि ये गाना वाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए बना ही नहीं, और मैं मंच पर से उतर कर बिल्कुल निराश हो गया था। हिम्मत टूट जाती है ना अगर आप हिम्मत करके खड़े हों और कोई आपको मंच से उतार दे, यही मेरे साथ। लेकिन वो छोटा मंच था और मेरी किस्मत में इस मंच पर आना लिखा था। अब मैं आ गया हूँ तो कुछ ना कुछ करूँगा, ज़रूर करूँगा। दुनिया जानेगी, देखेगी सलीम अहमद को और सपोर्ट करेंगे मेरा। मेरे दोस्तों मैं पहली बार आया हूँ,
मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज मेरा सपोर्ट।